सभी मित्रों को जय सियाराम। आज का विषय है माता काली के दिव्य मंत्र। माता काली के दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता काली का यही वो विशेष मंत्र है जो इंसान के जीवन में आने वाले सभी कष्ट और ग्रहों की पीड़ा को शांत करने की क्षमता रखता है। यह एक मंत्र जिसे जपने से कुंडली के सभी ग्रहों की पीड़ा देखते ही देखते दूर हो जाती है। मंत्र जाप वैसे तो हर व्यक्ति नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी नौ रूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करता है। नव दुर्गा और दस महाविद्याओं में काली माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। माता के नौ रूपों की आराधना मात्र से कलयुग में हर इंसान अपना कल्याण कर सकता है। नौ रूपों में समाहित माता की शक्ति अनंत है, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। जिस तरह माता की शक्ति अनंत है, उसी तरह उसके नाम भी असंख्य हैं। माता काली का एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो माँ के नौ शब्द रूपों को समर्पित है। यह मंत्र नौ अक्षरों से मिलकर बना है। इस मंत्र जाप से कुंडली के सभी ग्रहों की पीड़ा देखते ही देखते दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। माता काली का दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता काली का यही वो विशेष शक्तिशाली मंत्र है जो इंसान के जीवन में आने वाले सभी कष्ट और ग्रहों की पीड़ा को शांत करने की क्षमता रखता है। माता के यह दिव्य मंत्र जाप विशेष रूप से नवरात्रि में किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि में इस मंत्र का फल कहीं ज्यादा मिलता है। तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक इस मंत्र का 1.25 लाख, 5 लाख या फिर 9 लाख बार जप करके इसे सिद्ध करते हैं, लेकिन एक आम आदमी भी इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को सुखम बना सकता है। मंत्र जप करने के नियम। माता के इस मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर काली माता की प्रतिमा या एक तस्वीर लेकर आए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ कपड़े पहने आप माता काली की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद तिलक लगाकर माता के समक्ष लाल पुष्प अर्पित करें। माता के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद उसी जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और माता के नौ रूपों का ध्यान करते हुए उनके दिव्य मंत्र का 108 बार जाप कर लें। जब आप जाप संपन्न हो जाए, तब अपने सामर्थ्य के मुताबिक माँ काली को भोग लगाएं। अगर आपके पास अधिक सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री के कुछ दाने भी भोग के लिए लगा सकते हैं। मंत्रों से ग्रहों की बाधा दूर कैसे होती है, इसके बारे में भी जानिए। बताए गए नियमों के मुताबिक माता के दिव्य मंत्र जाप लगातार करने से आपको कुछ ही दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेगा। इस मंत्र से आप अपनी कुंडली के सभी ग्रहों की खराब दशा और भाग्य से जुड़ी हुई हर बाधा से निजात पा सकते हैं।
माँ काली का रूप जितना देखने में भयंकर है उससे कहीं ज्यादा मनोरम और भक्तों के लिए आनंददायी है। तभी तो माता अपने भक्तों के द्वारा किए गए इस मंत्र जाप से अत्यंत प्रसन्न होती है और उनकी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शरद नवरात्रि में मानने का कारण यह है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुर्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था श्रद्धा से की जाती है तो उनकी नवो शक्तियां जागृत होकर नौ ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। दुर्गा की इन नौ शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवर्ण मंत्र का जाप भी किया जाता है। नव का अर्थ होता है नौ तथा अण का अर्थ होता है अक्षर, अतः नवर्ण नौ अक्षरों वाला मंत्र नवर्ण मंत्र है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, नौ अक्षरों वाले नवर्ण मंत्र से एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। नवर्ण मंत्र के नौ अक्षरों में पहला अक्षर एंग है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एंग का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी उपासना प्रथम नवरात्र को की जाती है। दूसरा अक्षर है रिम है, जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा दूसरे नवरात्र को की जाती है। इस मंत्र का तीसरा अक्षर क्लीम है, चौथा अक्षर चा, पांचवा अक्षर मुम, छठा अक्षर डम, सातवा अक्षर यंग, आठवा अक्षर बीम तथा नौवा अक्षर चे है, जो क्रमशः मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि तथा केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इन अक्षरों से संबंधित दुर्गा की शक्तियां क्रमशः चंद्रघंटा, पुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री हैं, जिनकी आराधना क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवे, आठवे तथा नौवे नवरात्र को की जाती है। इस नवान्न मंत्र में तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं तथा इनकी तीन देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। दुर्गा की ये नवो शक्तियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। नवर्ण मंत्र का जप 108 दाने की माला पर कम से कम तीन बार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि नवर्ण मंत्र नौ अक्षरों का ही है, परंतु विजयादशमी की महत्ता का ध्यान में रखते हुए इस मंत्र के पहले ओम अक्षर जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र के रूप में दुर्गा सप्तशती में दे दिया गया है। लेकिन इस एक अक्षर के जुड़ने से मंत्र के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता, वह नवर्ण मंत्र की ही तरह फलदायक होता है। अतः कोई चाहे तो दशाक्षर मंत्र का जप भी बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कर सकता है। इस प्रकार हमने माँ काली के दिव्य मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे की संपूर्ण जानकारी आपको दी है, और इससे आपको ये भी बताया है कि इस मंत्र में माँ से ग्रहों का क्या किस प्रकार संबंध है। आप सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।